हेलो फ्रेंड्स, यदि यूट्यूब पर आप एक नए क्रिएटर हैं और आप अपने शुरुआती समय में अपने यूट्यूब वीडियो को रैंक करवाना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूं कि आप अपने शुरुआती समय में कैसे अपने यूट्यूब वीडियो को रैंक करा सकते हैं। तो यदि आपके भी यूट्यूब वीडियो पर 10-15 व्यू आते हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे दो टेक्निक बताने वाला हूं जिसे यदि आप फॉलो करते हैं तो आपका जो यूट्यूब वीडियो है वे यूट्यूब में रैंक करना शुरू कर देगा और आपको अपने वीडियो पर व्यू ज़्यादा देखने को मिलने लगेंगे। सो हे गाइस, आप देख रहे हैं टेक्नो अंतेश और आज फिर आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। तो यूट्यूब पर जितने भी क्रिएटर हैं उन सभी की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि उनके वीडियो पर व्यूज नहीं आते हैं। यदि आपके भी यूट्यूब वीडियो पर व्यूज नहीं आते हैं तो अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जिसे यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके वीडियो पर डेफिनेटली व्यू बढ़ेंगे। और आप देख ही सकते हैं कि जो मेरा भी यूट्यूब चैनल है इस पर सब्सक्राइबर बेस अभी बहुत ही कम है, तो मैं भी यहाँ पर इसी टेक्निक को यूज करके अपने यूट्यूब वीडियो को रैंक करवाता हूँ। और मुझे जो YouTube पर व्यू मिलते हैं वे YouTube सर्च से ही मिलते हैं, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि मेरे पास भी सब्सक्राइबर उतनी अच्छी नहीं है और मेरी जो यहाँ फॉलोइंग बेस है ये काफ़ी कम है। तो ऐसे में सभी क्रिएटर जिनके पास सब्सक्राइबर कम है, वे नए हो या पुराने हो, उनको इसी टेक्निक पर काम करना होगा जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, YouTube पर वीडियो रैंक कराने का जो सबसे पहला नियम है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप यूट्यूब ऐप को ओपन करके यहाँ से वीडियो को अपलोड कर दीजिए और इसे आप अनलिस्टेड या प्राइवेट रख सकते हैं। उसके बाद आपको सपोज क्या करना है, यहाँ पर ना ही आपको टाइटल देना है और ना ही डिस्क्रिप्शन देना है, आपको अनलिस्टेड करके ऐसे ही वीडियो को अपलोडिंग पर बैठा देना है। उसके बाद वीडियो अपलोडिंग कंप्लीट होने के बाद आपको अपने मोबाइल में वाइट स्टूडियो ऐप को ओपन करना है। अब आपको यहाँ पर अपना टाइटल डालना होगा और उसके बाद डिस्क्रिप्शन डालना होता है। तो सबसे पहले आपको टाइटल में यहाँ पर क्या डालना है, सपोज आपको टाइटल अपने मन से नहीं डालना है तो टाइटल में सबसे पहले आपको एक सर्चेबल यहाँ पर कीवर्ड डालना होगा। तो आप कैसे आप पता लगाएंगे कि यूट्यूब पर सर्चेबल टाइटल कौन सा है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको फिर से यूट्यूब ऐप को ओपन कर लेना है और यूट्यूब को ओपन करने के बाद आपको ऊपर जो सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको अपना वीडियो टाइटल जो आपने बनाया है, आपके जिस टॉपिक पर वीडियो है, यहाँ पर आपको सर्च करना है। और सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर फिल्टर करके यहाँ 1 महीने का फिल्टर निकाल लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद यूट्यूब सर्च रिजल्ट में आपको यहाँ जितने भी वीडियो दिखाई दे रही है तो जो सबसे पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर जो यहाँ पर वीडियो आपको दिखाई दे रही है इनकी टाइटल को आपको कॉपी कर लेना है और अपने वीडियो के टाइटल में आकर पेस्ट कर देना है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपको अपने वीडियो टॉपिक के अनुसार यहाँ पर टॉपिक को सर्च करना होगा और उसके बाद आपको 1 महीने का फिल्टर सेट करके जो सबसे पहले नंबर पर वीडियो है उनकी टाइटल को कॉपी कर लेना है। उसके बाद टाइटल लगाने के बाद अब बारी आती है कि यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में अब आपको क्या डालना होगा, क्या लिखना होगा। तो यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में भी आपको अपने मन से यहाँ कुछ नहीं लिखना है, आपने जो यहाँ 1 महीने का यहाँ पर जो फिल्टर निकाला है वीडियो की, तो यहाँ पर आपको टॉप 10 जितने भी यहाँ पर लाइन से वीडियो दिखाई दे रही है तो इन सभी के टाइटल को कॉपी करके आपको अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में उन सभी टाइटल को एक एक करके लगा देना है। इसके बाद क्या करना होगा, आपको जो पहले नंबर पर जो वीडियो आपको यहाँ पर सर्च रिजल्ट में निकल के आ रही है उसकी डिस्क्रिप्शन को ओपन करना है और उसने अपने वीडियो में जो जो हैशटैग यूज किया है उस हैशटैग को कॉपी कर लेना है और आकर अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसे पेस्ट कर देना है। उसके बाद फाइनली काम आती है टैग सेक्शन का। तो टैग सेक्शन में अब आप टैग कहाँ से फाइंड करेंगे, तो टैग भी आपको अपने मन से नहीं लगाना है, आपको यूट्यूब पर जो वीडियो रैंक कर रही है, जो हमने यहाँ पर सर्च रिजल्ट में 1 महीने का निकाला था, उनकी टैग को कॉपी करना है। तो टैग कॉपी करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर टैग यू एप्लीकेशन मिल जाती है, उससे आप किसी भी वीडियो का टैग को कॉपी कर सकते हैं। तो नए क्रिएटर को YouTube वीडियो रैंक कराने के लिए यही 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करना होता है। आपको अपने मन से ना टाइटल देना है, ना डिस्क्रिप्शन देना है और ना ही टैग लगाना है। सबसे पहले तो आपको YouTube से कुछ इस तरह से मैंने जो आपको तरीका बताया उस तरीके से आपको काफ़ी सर्चेबल यहाँ से कीवर्ड एंड टाइटल को फाइंड करना है और उसके बाद उस टाइटल को अपने YouTube वीडियो में यूज़ करना है। तो यदि आप कुछ इस तरह से काम करते हैं, इस तरह से अपने वीडियो के लिए टाइटल फाइंड करते हैं, डिस्क्रिप्शन लगाते हैं और टैग अपने वीडियो में यूज़ करते हैं, तो आपकी जो YouTube वीडियो है वह YouTube में रैंक करने लगती है। तो आपकी वीडियो इसलिए रैंक करने लगती है क्योंकि आपने जिस वीडियो का टाइटल डिस्क्रिप्शन कॉपी किया था वे वीडियो पहले से YouTube एल्गोरिदम में फिट थे और वे वीडियो YouTube में रैंक कर रहे थे। और जब उस वीडियो को कोई YouTube पर कोई भी व्यूअर देखेगा तो उस वीडियो के नीचे आपकी वीडियो यहाँ पर सजेस्ट लिस्ट में दिखाई देगी, क्योंकि आपकी वीडियो की जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, टैग है, वे उस वीडियो से मैच करेगी। इसलिए YouTube क्या करेगा, आपकी वीडियो को उस वीडियो के नीचे
सजेस्ट करने लगेगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप कुछ इस तरह से किसी भी रैंक्ड वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड हैशटैग कॉपी करके अपने वीडियो में यूज करते हैं तो 100% आपकी वीडियो ग्रोथ कर जाती है और आपकी जो यूट्यूब वीडियो है वह यूट्यूब सर्च में भी रैंक करने लगती है। तो फ्रेंड्स, जितने भी नए क्रिएटर है जिन्हें पता नहीं है कि यूट्यूब वीडियो पर व्यू कैसे बढ़ाए या शुरुआती समय में अपने चैनल की ग्रोथ को कैसे बढ़ाए, तो मैंने जो यहाँ पर जो आपको तरीका बताया, यदि आप इस तरीके से काम करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी जो YouTube वीडियो है, YouTube चैनल है, वह ग्रोथ करना शुरू कर जाती है। और मैं भी इसी टेक्निक को यूज़ करके अपने YouTube चैनल को थोड़ा थोड़ा करके बूस्ट करते जा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे चैनल पर अभी लगभग 2000 सब्सक्राइबर अब पूरे होने वाले हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज इस वीडियो में मैंने जो आपको यहाँ पर टेक्निक बताई, यदि आप उसे फॉलो करते हैं तो 100% आपके चैनल पर व्यू बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने इस टेक्निक को अप्लाई किया कि नहीं अभी तक, और अप्लाई किया तो उसके बाद आपके चैनल पर कितने व्यू अभी तक बढ़े हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो से आपकी ज़रूर मदद हुई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।